सो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान, कल हम लोगों ने पढ़ा था इंडिया चाइना और पाकिस्तान ने कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं चाइना की। चाइना ने क्या किया था बताओ जरा, क्या 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 बताया था उन्होंने चाइना के अंदर? चाइना ने इनको फॉलो कर रहे थे क्या, ग्रोथ इकोनॉमी, और किसको फॉलो किया था इसने? ठीक है, इसको फॉलो किया था, यानी कि जो भी इसने बोला था कि भाई जितनी भी लैंड है वो सब किसकी है? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट कौन? चाइना की जो गवर्नमेंट। ठीक है, वो इसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जो भी इसमें एक्सपेंडिचर होगा वो कौन करेगा? गवर्नमेंट भी करेगा जब उसकी लैंड होगी। ठीक है, और इसने इम्पोर्टेंस किसको दी थी? पब्लिक सेक्टर, यानी कि सिर्फ गवर्नमेंट को इम्पोर्टेंस दी थी, बाकी किसी को इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। ठीक है ना, अब क्या हुआ था, एक तो क्लोज इकोनॉमी थी। क्लोज इकोनॉमी इसका मतलब ना तो ये एक्सपोर्ट कर सकता था ना ही ये इम्पोर्ट कर सकता। ठीक है, तो इसने क्लोज इकोनॉमी को फॉलो किया। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि चाइना की जो क्या थी, ग्रोथ थी, वो कम होती जा रही थी। ठीक है, तो अब इसने देखा, इसने कंपेयर किया इंडिया से और पाकिस्तान से। अब इंडिया और पाकिस्तान ने क्या करा, इन दोनों की जो स्ट्रेटेजी थी वो सेम थी। ग्रोथ वाली जो स्ट्रेटेजी दोनों की क्या थी? सेम थी। इन्होंने मिक्स इकोनॉमी को फॉलो किया। मिक्स इकोनॉमी मतलब बोथ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर। और मिक्स इकोनॉमी होता कौन सी इकोनॉमी है? मैंने थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बता रही थी, सेंट्रली प्लान्ड, मार्केट और मिक्स इकोनॉमी। तो मिक्स इकोनॉमी क्या होता है, जिसमें गवर्नमेंट का भी कंट्रोल रहता है और मार्केट का भी कंट्रोल रहता है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल है। ठीक है, दूसरा इसने एक तो मिक्स इकोनॉमी को फॉलो किया, दूसरा क्या किया था, इम्पोर्टेंस दी थी प्राइवेट को भी और पब्लिक को भी, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। और किक स्टार्टिंग किसको बोला इसने, किक स्टार्टिंग पॉइंट पब्लिक को इसने क्या बोला, किक स्टार्टिंग पॉइंट, और प्राइवेट को सेकेंडरी रोल पे रखा। किसने? चाइना की बात कर रही हूँ मैं, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, इसको सेकेंडरी पे रखा। देखो इसने किक स्टार्टिंग पॉइंट, अगर मैं आपको कह रही हूँ व्हाई इंडिया एंड पाकिस्तान अज्यूम पब्लिक एज अ किक स्टार्टिंग पॉइंट, सो व्हाट विल बी द आंसर? बिकॉज़ इंडिविजुअल तो पैसा नहीं होगा, मतलब जो इंडिविजुअल की अगर हम बात करते हैं, प्राइवेट फर्म्स की बात करते हैं, तो उनके पास इतना कैपिटल नहीं था, इतना मनी नहीं था कि वो उसको इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, तो इसलिए उसने क्या करा कि जो किक स्टार्टिंग पॉइंट है वो पब्लिक को रखा, यानी कि पब्लिक स्टार्ट करेगी, उसके बाद गांव प्राइवेट उसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो यानी कि इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट। उसके बाद उन्होंने बोला कि प्राइवेट को उसने सेकेंडरी रोल पे रखा। ठीक है, तो ये स्टोरी थी किसकी, स्ट्रेटेजी थी, मतलब ये किसकी, चाइना की, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान की तो सेम है क्योंकि दोनों ने एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करी। ठीक है ना, अब जब चाइना ने देखा कि इंडिया तो ग्रो कर रहा है, उसकी इकोनॉमी तो ग्रो हो रही है, लेकिन चाइना की डाउन हो रही है, तो उसने देखा कि भाई मेरे में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, क्या ऐसा हो रहा है कि भाई जो इंडिया और पाकिस्तान तो ग्रो कर रही है और मैं नीचे नीचे डाउन हो रहा हूँ, क्यों हो रहा है? तो इसने क्या करा, क्लोज इकोनॉमी से किसमें शिफ्ट हो गया है, क्लोज इकोनॉमी को किसमें चेंज कर दिया, ओपन इकोनॉमी में, यानी कि ये एक्सपोर्ट भी कर सकता है और इम्पोर्ट भी कर सकता है। लेकिन इसने क्या करा, इम्पोर्ट तो करा, लेकिन इम्पोर्ट क्या कौन सा करा, इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी को बताई थी मैंने, इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी इसने फॉलो करी। इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी मतलब इसने अपनी कंट्री में देखा भाई जिस चीज का प्रोडक्शन है उस चीजों को इसने इम्पोर्ट नहीं करा, जिस चीज का नहीं उसी का इम्पोर्ट करा बस, इसने चाइना ने। ठीक है, और इसने क्या करा, इम्पोर्टेंस में दोनों को लेने लगे, आप देख रहे हैं पब्लिक को ही मैं सिर्फ इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, ग्रो इसकी डाउन होती जाएगी। ठीक है, अब इसने क्या करा, दोनों को इम्पोर्टेंस देने लगे, पब्लिक को भी और प्राइवेट को भी। पब्लिक को तो दे ही रहा था, इसके साथ में इसने प्राइवेट को भी इम्पोर्टेंस देने लग गया। ठीक है, लेकिन इसने रूल यही रखा कि मेरे में स्टेटस में फॉलो हुआ, स्टेटस मतलब पब्लिक ही ज्यादा खर्चा उठाएगी, प्राइवेट नहीं उठाएगी। ये थी हमारी स्टोरी किसकी, चाइना की, इंडिया की और पाकिस्तान। अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं कि हमने देखा कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना तीनों ने अचीव कर लिया अपनी ग्रोथ, तीनों जो है अपने डेस्टिनेशन पे।
करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चाइना से। तो चाइना का मेन यही है कि इसने किस तरीके से देखो चेंज कर दिया, उसने क्लोज थे उसने ओपन में चेंज हुआ, और उसके बाद पब्लिक सेक्टर से उसने प्राइवेट सेक्टर भी इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो इससे उसकी जो इकोनॉमी थी वो ग्रो करने लगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम पाकिस्तान के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, तो पाकिस्तान ने देखो क्या क्या किया। ओके, अब आ जाओ पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, चाइना का सामने आ गया ना सबको। नाउ कम टू द पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान ने मिक्स इकोनॉमी फॉलो करी एज लाइक इंडिया। इंडिया मिक्स इकोनॉमी फॉलो करता था, तो पाकिस्तान ने भी क्या फॉलो करा? मिक्स इकोनॉमी को फॉलो करा। ठीक है ना, एक तो इसने मिक्स इकोनॉमी फॉलो करी, दूसरा इसने इम्पोर्टेंस दी किसको? दोनों सेक्टर्स को, जैसे इंडिया देता था प्राइवेट एंड पब्लिक। हाँ, इम्पोर्टेंस टू बोथ सेक्टर्स, यानी कि प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक, पब्लिक एंड प्राइवेट। और फर्स्ट पॉइंट पे किसको रखा इसने? पब्लिक को। सेम, क्योंकि दोनों की स्ट्रेटेजी सेम थी। ठीक है ना, तो इसने क्या करा, पब्लिक को फर्स्ट उसमें रखा। अब इसने क्या करा कि जो भी इसके उसमें मतलब इसने जो इन्वेस्टिगेशन किया कैपिटल गुड्स का, वो हमारा पाकिस्तान के अंदर हुआ। ठीक है, पाकिस्तान ने शिफ्ट करी पॉलिसी ओरिएंटेड इन द 1970 में। और इसमें क्या हुआ कि जो पाकिस्तान था, जब उसने अपनी पॉलिसी वगैरह बनाने लगा, तो उसको फाइनेंशियल हेल्प मिली कहां से? वेस्टर्न नेशन से। जो वेस्ट के नेशन से उन्होंने उसकी हेल्प करी, किसकी? पाकिस्तान की। ठीक है, उसको फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत थी, तो किसने उसकी हेल्प करी? वेस्टर्न नेशन ने। ठीक है, अब इसके बाद जो हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में सेम यही है कि मिक्स इकोनॉमी को फॉलो किया। वो तो उनकी दोनों की तो ग्रोथ हो ही रही थी, तो इसकी तो पढ़ने की एक्स्ट्रा में जरूरत ही है नहीं, क्योंकि हमें पता है भाई दोनों इन्होंने ये फॉलो किया, उनकी ग्रोथ हुई। बस चाइना ने फॉलो नहीं किया था, तो चाइना की कैसे सक्सेस हुई? वो इस तरीके से कि उसने क्या चेंज करा। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्म अपनी इकोनॉमी को कैसे उसने चेंज करा। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चेंज उसमें आते हैं, वो आता है हमारा कि हम लोग अगर इसकी कंपैरेटिव स्टडी की बात करते हैं इंडिया चाइना और पाकिस्तान की, तो इसमें देखो हम फर्स्ट पढ़ते हैं कि चाइना ने किस तरीके से जो वो कर रहे हैं ग्रोथ। अच्छा, इसमें मैंने जीआरएफ बताया था आपको। जीआरएफ क्या होता है? ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ठीक है ना, इसकी फुल फॉर्म अगर पूछेंगे दैट इज ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ठीक है, नाउ इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट में। ओके, तो कंक्लूजन हमने क्या देखा कि चाइना जो है ज्यादा टॉप पे है। अगर हम जीडीपी की बात करते हैं तो चाइना सबसे टॉप पे है। आपको मैंने बताया था चाइना एक तो लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पूरे ग्लोबल का, पूरे वर्ल्ड का, है ना। चाइना में ही सही माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करते हैं तो बेटर कौन है? इंडिया, पाकिस्तान नहीं है। और अगर मैं इंडिया और चाइना की बात करती हूँ तो बेटर कौन है? चाइना, इंडिया पीछे है। समझ में आया? तो सबसे बेटर पे टॉप पे कौन है? चाइना। सेकंड नंबर पे इंडिया एंड देन पाकिस्तान। ठीक है, इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट में कि चाइना की अगर हम बात करते हैं जो स्ट्रक्चर था ग्रोथ का। अब इसमें देखो चाइना ने क्या करा, चाइना ने एक तो सबसे पहले देखो जो हमारी प्रॉब्लम्स रहती है, अगर हम कहते हैं कोई भी इकोनॉमी है तो उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसका मेन कारण क्या होता है? पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉवर्टी बढ़ रही है, पॉवर्टी बढ़ रही है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, सारी प्रॉब्लम ही क्रिएट किससे हो रही है? पॉपुलेशन। तो चाइना ने क्या करा, चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट करा। क्वेश्चन आएगा हु अडॉप्टेड वन चाइल्ड पॉलिसी? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, आपको ऑप्शन दिए रहेंगे। तो किसने अडॉप्ट करी थी? चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट किया था 1979 में। ठीक है, और जो कि सक्सेसफुली परस्यूट हो रही है, यानी कि परस्यूट हो रही है, फॉलो हो रही है। ठीक है, अच्छी खासी। इसके बाद जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन का वो 1.33% है 1979 में, और वो कितना हो गया 0.47% हो गया है, यानी कितना कम हो गया है जो उसने वन चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो किया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन इंडिया में ज्यादा है और हमारे पाकिस्तान में कम है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम चाइना और जो इन पाकिस्तान है, यहाँ पे ब्राइटर साइंस है अर्बनाइजेशन के। अगर हम इंडिया के कंपैरिजन में बात करते हैं तो जो बेटर वो है साइंस हमारे अर्बनाइजेशन के, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण के, वो कहाँ पे? हमारे चाइना में और पाकिस्तान में, इंडिया में नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में जो मोस्टली लोग हैं वो रूरल एरियाज में रहते हैं, यहाँ पे शहरी मतलब गाँव के एरिया ज्यादा है ना। आपको बताया गया कि मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पे, है ना। तो अर्बनाइजेशन जो है, अगर हम लिंक बात
कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट में आपका क्या क्या था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो और क्या बताया था, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बताया था मैंने सब, बिफोर द एज ऑफ वन। ठीक है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जब हम किसी की लाइफ को एक्सपेक्ट करते हैं कि इसने इसकी इतनी लाइफ है, ये इतने ईयर तक जिएगा। ठीक है, तो दैट इज अब वो अच्छी हो गई है, पहले कम थी ना, मैंने सब आपको पहले भी बता रखा है ना, पहले ये कम थी, अब वो अच्छी हो गई है, बढ़ गई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कम हो गया है। ठीक है, लिटरेसी रेट बढ़ गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज बेटर हो रही है और कौन सी कम हो रही है ना। पहले जो ये डिजीज थी, कौन सी डेडली डिजीज थी, उससे बहुत ज्यादा डेथ होती थी लोगों की, अब वो भी कम हो गई क्यों, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल हो गया है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कैंसर वगैरह है, टीबी वगैरह, उससे पहले लोग जो है ज्यादा डेथ होती थी लोगों की, लेकिन अब वो कम हो गई क्यों, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट होने लग गया है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट हमारे इसमें आती है कॉमन सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर हम तीनों की बात करते हैं, सॉरी इंडिया और पाकिस्तान की बात करते हैं, तो इसमें दोनों की कॉमन सक्सेस स्टोरी क्या है। देखो कॉमन सक्सेस स्टोरी आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान ने अपनी पर कैपिटल इनकम को डबल किया। जब पर कैपिटल इनकम यानी कि अपनी एवरेज इनकम को डबल किया, तो उससे क्या हुआ, पॉपुलेशन हैज इंक्रीज फोर फोल्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कितना बढ़ गया, फोर फोल्ड, और थ्री फोल्ड कहाँ पे बढ़ा, इंडिया में। ठीक है, इसके बाद जो इंसिडेंस है एब्सोल्यूट पॉवर्टी का, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कौन सी होती है, टू टाइप्स ऑफ पॉवर्टी बताए थे मैंने, मेजर्स ऑफ पॉवर्टी, रिलेटिव और एब्सोल्यूट, है ना। एब्सोल्यूट कौन सी होती है, रिलेटिव कौन सी होती है, पहले इतना बताओ मुझे। जिसमें पॉवर्टी लाइन जो है क्या करता है, पॉपुलेशन को डिवाइड करता है बिटवीन द टू, यानी कि नॉन पुअर और पुअर, है ना। जो उससे नीचे रहता है दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन, और जो ऊपर रहता है दैट इज अबव पॉवर्टी लाइन। तो एब्सोल्यूट पुअर जो पॉवर्टी था उसका बिलो पॉवर्टी लाइन जो है अब ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, अब वो मतलब कम हो गया, पहले लोग बहुत ज्यादा गरीब थे, अब इतने गरीब नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, सपोर्ट सिस्टम होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट का, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सब इसके अंदर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। अब यहाँ पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, तो यानी कि जो हमारा क्या था एब्सोल्यूट पॉवर्टी थी वो भी क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है ना, फूड सेल्फ सफिशिएंसी हैज बीन अकॉम्पेनीड विद इंप्रूव्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस। अगर हम न्यूट्रिशनल स्टेटस की बात करते हैं, तो फूड सेल्फ सफिशिएंसी इतनी है कि हमें बाहर से नहीं मंगाना पड़ता, हमारे इंडिया में ही बहुत हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा, देखो अभी ये तो थी क्या कि सक्सेस दोनों की कैसे हुई, इंडिया और पाकिस्तान की कॉमन स्टोरी है। अगर हम फेलियर्स की बात करते हैं, भाई कुछ इनके फेलियर्स भी थे इंडिया और पाकिस्तान के, वो क्या था, द रिलेटिवली इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमिक पॉलिसी और हाई प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री डिड नॉट अलाउ इंडिया एंड पाकिस्तान टू टेक टाइमली एडवांटेज ऑफ, भाई इन्होंने इतने ज्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडिया और पाकिस्तान ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके की पॉलिसी अपना रखी थी कि बेचारे बाहर से इंटीग्रेट ही नहीं कर पाते थे, वर्ल्ड की इकोनॉमी से इंटीग्रेट नहीं कर पाते थे, इंटीग्रेट नहीं कर पाते थे, यानी कि उनसे मिलना जुलना ही नहीं हो पाता था, कभी देख ही नहीं पाते थे कि होता क्या है। तो इससे क्या हुआ, उनकी जो पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं, तो ये इससे क्या हुआ कि जो इनवर्ड लुकिंग था, इनवर्ड लुकिंग मतलब वो सिर्फ अपने डोमेस्टिक का देखते थे कि हमको क्या चाहिए, हमारे कंट्री में क्या खत्म हो रहा है, किस चीज का इम्पोर्ट करना है, किस चीज का एक्सपोर्ट करना है, विद इन आवर डोमेस्टिक कंट्री, सिर्फ डोमेस्टिक कंट्री में बाहर का नहीं देखते थे। तो इससे क्या हुआ, उनकी ग्रोथ कम हो गई। एक तो ये फेलियर था, इंडिया और पाकिस्तान दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, माइंडसेट ऑफ पॉलिटिशियंस हैज नॉट शोन अ प्रोग्रेसिव चेंज, कंट्रोल्स कंटिन्यू बिटवीन द प्रेफर्ड ऑप्शन रादर देन फ्रीडम ऑफ चॉइस फॉर प्रोड्यूसर। मतलब कंट्रोल रहे कि भाई प्रोडक्शन पे और कंजप्शन पे भी कंट्रोल रहा, कंट्रोल किसका रहा, गवर्नमेंट का। पॉलिटिशियन ने ऐसा माइंडसेट कर रखा था कि भाई कंट्रोल है, मतलब प्रोड्यूसर अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो वो भी कंट्रोल के अंडर कर रहा है कि तुमने इतना प्रोडक्शन करना है, कितना करना है, किसके लिए करना है। ठीक है, अब जब किसी चीज का कंट्रोल रहेगा तो क्या लोग फ्रीली होके काम नहीं कर पाए, एक ये इसका दूसरा फेलियर था। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राइवेट सेक्टर हैज साइड मोर ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्राइब्स, लोन्स फ्रॉम पब्लिक, फाइनेंशियल टैक्स एवेजन इज अ नेशनल। अब इसमें क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट सेक्टर अगर उसको लोन वगैरह चाहिए था तो वो पब्लिक से लेता था। ठीक है, और अगर इन पर्सन को लोन चाहिए था तो वो किससे लेता था, बैंक से लेता था ना कमर्शियल, तो उसमें इंटरेस्ट इतना लगा था कि लोग उससे सेव नहीं कर पाए, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए। जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी
तो किसी चीज का हम कह सकते हैं कि ग्रो होगी भाई, जब हमने कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं करा, हम बैठे हैं, जो हम काम कर रहे हैं उसी पे ही बैठे हैं, तो कैसे हम ग्रो करेंगे? हमें कुछ अगर करना है तो उसमें इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, चाहे हम पढ़ाई की बात करें, चाहे किसी चीज की बिजनेस की बात करें, ठीक है। अब वो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो बात की बात है, लेकिन हमें पहले इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, रिस्क तो लेना पड़ेगा, ठीक है ना। बिजनेस में रिस्क तो इन्वॉल्व होता ही है। नेक्स्ट आता है कॉमन फेलियर्स है, ठीक है ना। कॉमन फेलियर्स है किसके? इंडिया और पाकिस्तान के। अब यहाँ पे जो टैक्स रेवेन्यू है वो डिफेंस एक्सपेंडिचर में ज्यादा खर्च होता है, यानी कि उससे प्रोसेस ऑफ ग्रोथ भी हमारी कम होती है, ठीक है। जो भी लार्ज प्रोपोर्शन है टैक्स रेवेन्यू पर, टैक्स रेवेन्यू मतलब जो हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स होता है ना, टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, जो भी टैक्स है वो रेवेन्यू होता है किसका? गवर्नमेंट का। अब वो टैक्स रेवेन्यू को गवर्नमेंट किसमें पे यूज करती है? ज्यादा डिफेंसिव के लिए, है ना, आर्मी वगैरह में ज्यादा उस चीजों को यूज करती है, कि ताकि जो भी डिफेंस एक्सपेंडिचर है या इंटरनल डेट सर्विसिंग है उससे निपटने के लिए उसको यूज करती है, तो उससे भी प्रोसेस ऑफ ग्रोथ कम हो रही है, मतलब कंट्री में न लगा के वो उसमें यूज हो रहा है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है डेफिशिएंट अर्बन सर्विसेज है, यानी कि आपको पता है जो अर्बन सर्विसेज है, हमारे अर्बन एरियाज है, वहां पे अभी भी प्रॉब्लम है किस चीज की? वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट की, ठीक है, वहां पे अभी भी प्रॉब्लम है, तो यानी कि ये भी एक तरीके से रुकावट का काम कर रहा है इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। नाउ नेक्स्ट है अ वाइड लैग बिटवीन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी ऑन द वन हैंड एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑन द अदर। मतलब अगर कोई पॉलिसी है उसका क्या होना, रेगुलेट अगर हम कह रहे हैं कि वो क्या है, फॉर्मुलेट तो हो गई कि भाई पॉलिसी तो बन गई कि ये पॉलिसी फॉलो होनी है, लेकिन इम्प्लीमेंटिंग हुई बन तो रखी, लेकिन उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो उससे भी क्या हो रहा है, पॉलिसी जो हमारी अगर हम बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की, तो वो डाउन हो गई, समझ में आया। ये फेलियर थे और वो उसके क्या थे, सक्सेस स्टोरी थी दोनों की, इंडिया और पाकिस्तान की। अब देखो इंडिया एरियाज वेयर इंडिया हैज एज ओवर पाकिस्तान, इसमें कौन कौन से हैं? अगर हम स्किल्ड मैन पावर की बात करते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इंडिया बेटर है देन पाकिस्तान। यहाँ पे स्किल्ड मैन पावर ज्यादा है, रिसर्च और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन ज्यादा है, पाकिस्तान में कम है, ठीक है। इसके बाद है इंडिया जो है, इंडिया हैज शोन अ रिमार्केबल ब्रेक थ्रू इन द एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी थी एलपीजी वाली, याद है 1991 में हुई थी ना लॉन्च, तो उसके बाद से जो है इंडिया एक्सपोर्टर ज्यादा बन गया, यानी कि एक्सपोर्ट ज्यादा करने लग गया, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, यानी कि बाहर की इनकम आ रही है हमारे कंट्री में आ रही है ना, तो उससे भी क्या हो रहा है, इंडिया आगे बढ़ गया और पाकिस्तान पीछे रह गया। अब बात कर रहे हैं ना, मैंने आपको बताया था इंडिया और पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया ऊपर है और पाकिस्तान नीचे है, तो ये बता रही हूँ कि क्यों आगे है इंडिया, इस वजह से इंडिया आगे है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा है हमारे इंडिया में, पाकिस्तान में कम है, ठीक है। इसके बाद है इंडियन साइंटिस्ट एक्सेल इन द एरिया ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी स्पेस रिसर्च, यानी कि इंडिया जो साइंटिस्ट हैं वो हमारे मोस्टली कहाँ से? इंडिया से, पाकिस्तान से नहीं है, तो यानी कि यहाँ का जो एरिया है वो ज्यादा क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है इंडिया, इंडिया इसलिए ज्यादा आगे है। इसके बाद जो पीएचडीज है वो इंडिया साइंस और इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं वो हमारे इंडिया में ज्यादा है, पीएचडी वगैरह, पीएचडी पता है ना, ठीक है, तो पीएचडी वगैरह ज्यादा हमारे इंडिया में है और पाकिस्तान में कम है, है ना। इसके बाद है इंडिया का बेटर रिकॉर्ड है इन्वेस्टमेंट का एजुकेशन, यानी कि इंडिया ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है एजुकेशन के फील्ड में। द एडल्ट लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, सारे लेवल्स के अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन इंडेक्स जो है इंडिया का बहुत अच्छा है इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना। इसके बाद है फर्टिलिटी रेट का रैपिड डिक्लाइन हो रहा है, फर्टिलिटी रेट मतलब कम हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया हैज बीन फ्लैट 1.76% हो गई है, लेकिन जो पाकिस्तान है वहां पे अभी भी ज्यादा है, पाकिस्तान में अभी भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इंडिया में हमारे कम है, तो एक तो इस वजह से इंडिया ऊपर हो गया, पाकिस्तान नीचे हो गया, है ना। तो ये कुछ रीजन है, और हम अगर बात करते हैं इशू ऑफ हेल्थ फैसिलिटी इन जनरल और इन्फेंट मॉर्टिलिटी इन पर्टिकुलर, वो भी हमारे इंडिया में ज्यादा है, यानी कि हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह हमारे इंडिया में ज्यादा है इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो ये एरियाज हैं जहाँ पे इंडिया जो है पाकिस्तान से ज्यादा बेटर है, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूँ कि एरियाज है पाकिस्तान जहाँ पे पाकिस्तान ज्यादा अच्छा है और इंडिया कम है, वो कौन कौन से है? स्टार्टिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट द सेम लेवल एज इंडिया, पाकिस्तान के भी बेटर रिजल्ट है अगर हम माइग्रेशन की बात करते हैं वर्कफोर्स की, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में भी अच्छा था, एग्रीकल्चर से लोग इंडस्ट्री में शिफ्ट हो गए पाकिस्तान में, और माइग्रेशन
फॉर जॉब है ना, सर्च करने के लिए जॉब के लिए। इसके बाद बीपीएल पॉपुलेशन, इसके बाद जो बीपीएल पॉपुलेशन है, बीपीएल पॉपुलेशन जो है 29.5% हो गई है टोटल पॉपुलेशन की। जो पाकिस्तान ग्रोथ स्ट्रेटेजी है वो बेटर ह्यूमन फेस है देन दैट ऑफ इंडिया। जो वहाँ की ह्यूमन अगर हम फोर्स की बात करते हैं वहाँ पे ज्यादा है और इंडिया में हमारी कम है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है ह्यूमन फेस भी ज्यादा ही होगा। ठीक है, इसके बाद एक्सटर्नल ट्रेड ज्यादा फैल गया है हमारे पाकिस्तान में इंस्टेड ऑफ इंडिया से, ज्यादा हमारे कहाँ पे बेटर है पाकिस्तान में। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो आता है हमारा चाइना एज ओवर इंडिया। मैंने बताया था चाइना बेटर है इंडिया से, तो चाइना क्यों है बेटर इंडिया से बोलो हम पढ़ते हैं अभी। ठीक है, चलो भाई देखो, इसके बाद हमने देखा कि भाई इंडिया जो है बेटर था किससे एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, कैसे बेटर था वो मैंने आपको डिस्कस करा दिया। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज चाइना, चाइनाज एज ओवर पाकिस्तान। ओके सॉरी, इंडिया, इंडिया से चाइना किस तरीके से बेटर है। ठीक है, तो देखो द चाइनीज रिफॉर्म प्रोसेस बिगेन मोर कॉम्प्रिहेंसिव ड्यूरिंग द 80s व्हेन इंडिया वाज इन द, मतलब चाइना ने अगर हम 1980 की बात करते हैं तो चाइना ने बहुत अच्छा खासा अपने आप को डेवलप कर लिया था। ठीक है ना, लेकिन जो अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया जो उस टाइम बीच में ही था जब तक चाइना ने 80 तक पूरा अपने आप को डेवलप कर लिया था। ठीक है, इसके बाद इवन व्हेन द रिफॉर्म प्रोसेस वाज एक्टिवली पर्स्यूड इन 1990 में, जब पूरा एक्टिवली पर्स्यू हो गया था, फॉलो हो गया था, तो इंडिया का मेन फोकस किस पर था? इंडिया तो ये सोचता रह गया कि जीडीपी कैसे बढ़ानी है। इंडिया का मेन फोकस क्या था? जीडीपी को बढ़ाना बस। लेकिन चाइना ने उस बीच क्या करा? चाइना ने जो है, चाइना का मेन इनिशिएटिव था पॉवर्टी एलिमिनेशन, पॉवर्टी को रिमूव करना। तो जब पॉवर्टी रिमूव हो जाएगी तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली जीडीपी तो बढ़ ही जाएगी ना। तो उसने, उसका मेन मोटिव क्या था? कि पॉवर्टी को रिमूव करना। चाइना का मोटिव क्या था? पॉवर्टी रिमूव करना, पॉवर्टी एलिमिनेशन। ओके ना, रिमूव करना। ओके, जब इंडिया क्या सोचो ना, जीडीपी ग्रोथ के बारे में सोच रहा था, अच्छा उसने, उसका मेन मोटिव ये था कि उसने पॉवर्टी को हटाना। ठीक है ना, इसके बाद भाई रूरल पॉवर्टी इन चाइना, अगर हम रूरल पॉवर्टी की बात करते हैं यानी कि रूरल एरिया में जो पॉवर्टी रहती है अगर उसकी बात करते हैं, तो चाइना में ये कितनी थी? 85%। कब की बात है? 1978 से 89 तक कितनी थी ये? 85%। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में से कितनी कम हुई थी? 50%। यानी कि चाइना ने 85% पॉवर्टी कम कर दी थी इन द रूरल एरिया। लेकिन जो इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया में कितनी कम हुई थी? सिर्फ 50% कम हुई थी, क्योंकि उसका मेन मोटिव क्या था? सिर्फ जीडीपी बढ़ाना था इंडिया का। ठीक है, इसलिए चाइना जो है इंडिया से आगे था। नेक्स्ट, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द चाइनीज एग्रीकल्चर वेंट अलोंग हो गए। इसने क्या करा? जो कॉम्यून सिस्टम था ना फार्मिंग का, कॉम्यून सिस्टम मतलब अ सिस्टम ऑफ कल्टीवेट, कलेक्टिव कल्टीवेशन, मतलब एक साथ जो कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, तो उसके बदले इसने क्या करा? हाउस होल्ड को लैंड दी इंडिविजुअल कल्टीवेशन के लिए। उसने ये नहीं बोला कि सब इकट्ठे होकर इस लैंड पे काम करो, किसने? चाइना ने। उसने सबको अलग अलग लैंड प्रोवाइड करी और कहा इसमें तुम प्रोडक्शन करो, सबको अलग अलग लैंड दी। ठीक है, तो दो ओनरशिप ऑफ लैंड रिमेन विद द स्टेट। अब क्या हुआ, जब उसने अलग अलग करके लोगों को भेंकी दे दी तो स्टेट में इसकी ओनरशिप रही, बाहर तो दी है उसने, अपने लोगों को इसने क्या करा? ओनरशिप दे दी, भाई लैंड दे दी सबको थोड़ी थोड़ी कल्टीवेशन की। ठीक है, इससे जो है एग्रीकल्चर में चाइना में बहुत बड़ा चेंज आया, भाई सब लोग अपना अलग अलग क्या करने लगे? प्रोडक्शन करने लगे। ठीक है ना, नेक्स्ट है इंडिया में क्या है? इंडिया में भी रिफॉर्म्स हुए, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, लेकिन इतने बेटर नहीं हुए जितने चाइना में हुए। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्लोबल एक्सपोजर फॉर इकोनॉमी का, वो बहुत ज्यादा था चाइना में लेकिन इंडिया में कम था। ठीक है, चाइना ने अलाउ किया फॉरेन इन्वेस्टमेंट 100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट के साथ। 100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट मतलब जो भी वहां पे इन्वेस्ट करता था चाइना में उसने उसको इक्वली शेयर दिया, लेकिन इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया था। ठीक है ना, इंडिया कुछ परसेंट उसको देता, कुछ अपने पास रखता, लेकिन चाइना ने बोला कि 100% इक्विटी रहेगा तुम्हारा, लॉस होगा तो भी तुम्हारा, प्रॉफिट होगा तो भी तुम्हारा। ठीक है, दैट इज, इसके बाद उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टर्स को फ्रीडम दी, किस लिए? हायर फायर करने के लिए वर्कर्स को, जो भी फॉरेन इन्वेस्टर थे जैसे वो चाइना में आए, जैसे सपोज दिस इज चाइना, अब यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स आए। ठीक है, इन्होंने क्या करा, वो इन्वेस्ट करने के लिए आए, उन्होंने अपना बिजनेस खोला कहाँ पे? चाइना में। तो जो
फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे आए उनको फ्रीडम दी कि जो भी तुम्हारे वर्कर्स काम करेंगे उनको हायर एंड फायर मतलब जब मर्जी तक तुम उनको निकाल सकते हो, ठीक है, अगर उनको काम पसंद नहीं आया या कोई और रीजन कुछ है तो जब मर्जी तुम उनको निकाल सकते हो। किसने अलाउ किया था? चाइना ने। किसको अलाउ किया था? फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है। सो इट ऑल्सो ऑफर्ड देम अ लुक्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर, और उनको अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया किसने? चाइना ने, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसने जो है SEZ जोन्स बताए थे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, किसने बनाए थे? वो चाइना ने ही बनाए थे। जो बाहर के लोग आ रहे थे उनके लिए उसने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए थे, अगर उनकी कोई भी दिक्कत होती थी तो उससे हेल्प ले सकते थे, ठीक है ना। चाइना जो है लिबरल था इन अलॉन्ग FDI इन रिटेल। इसके बाद है, अगर हम इन सबकी बात करते हैं तो इंडिया रिमेन फार बिहाइंड, इंडिया तो बहुत पीछे रह गया जबकि चाइना का दिमाग बहुत तेज चलता था इन चीजों में, है ना। अभी तो चाइना देखो इंडिया क्या सोचता रहेगा, चाइना ने क्या कर दिया, ऑटोमेटिकली उसकी GDP बढ़ गई। सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडिया हैज बीन प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द लेबर इंटेंसिव सेगमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी। अगर इसकी हम बात करते हैं तो इंडिया ने क्या करा, प्रोवाइड करी प्रोटेक्शन अपने लेबर को, लेबर ही का तो उसका लेबर इंटेंसिव वो था, ठीक है। इट इज ओइंग टू दिस फैक्टर दैट चाइना हैज एमर्ज एज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में। अगर पूरी बात करते हैं तो चाइना कौन सी है? सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ इट परसेंटेज शेयर इन ग्लोबल GDP, अगर ग्लोबल GDP में सबसे ज्यादा शेयर सेकंड नंबर पे किसका है? चाइना का, व्हाइल इंडिया इज लैगिंग वे बिहाइंड, और इंडिया का भी बहुत पीछे है, ठीक है, इंडिया का भी बहुत पीछे है, सबसे टॉप पे कौन सा है? चाइना, ठीक है। तो इससे समझ में आया तुम्हें इस चैप्टर में कि हमने क्या क्या पढ़ा है, तो कि भाई इन तीनों ने स्ट्रेटेजी कौन सी फॉलो करी थी ग्रोथ के लिए, फिर इन्होंने क्या करा कि चाइना कैसे, चाइना ने अलग अलग हमने तीनों का पढ़ा, सक्सेस स्टोरी क्या थी, है ना, स्टोरी तीनों की पढ़ी, चाइना ने क्या करा, इंडिया और पाकिस्तान ने क्या करा। उसके बाद हमने ये देखा कि चाइना ज्यादा बेटर है किससे? इंडिया से, और इंडिया ज्यादा बेटर है किससे? पाकिस्तान से, ठीक है। क्यों ज्यादा बेटर है? रीजन मैंने आपको बता दिया कि इंडिया बेटर क्यों है पाकिस्तान से और चाइना बेटर क्यों है इंडिया से, ठीक है। कुछ उनके कॉमन मैंने आपको सक्सेस बताया, कॉमन फेलियर्स बताए, तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। नाउ फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट आवर सैंपल पेपर, ओके। Okay, now open your notebooks.